अज जिस जगह के उत्ते मैं खड़ा वा इस जगह के उत्ते असी सारे इतने कट्ठे हुए सी पूरी मेरी टीम सी और बाहर इतने एक अर्थी सी और एक शख्स आके रो रहा कि मैं उजड़ गया मैं बर्बाद हो गया। लेकिन मैंने कई ने आके पूछा मेरे अजीज वीर ने आके पूछा कि भाई जी उजड़िया कौन बर्बाद कौन होया तो मैं एको गल कही कि उइयो उजड़िया हमेशा की तरह जो उजड़ता आया है यानी कि जनता। अज इस जगह के उत्ते खड़े हाँ ये वर्कशॉप है नगर निगम कारपोरेशन की तुहानू याद होएगा 9 महीने पहला जी हाँ 9 महीने पहला लुधियाने शहर के नगर निगम ने कोई 370 ई रिक्शा खरीदे सी मैं नहीं ये अखबार बोल रही 85 करोड़ वाला स्टेडियम पखो रोड वाला अज तक मीटर नहीं लगे इंडोर स्टेडियम बर्बाद होया 85 करोड़ जनता का। एक एंटी स्मोक गन खरीदी गई थी कुछ महीने पहला 80 लाख तो 1 करोड़ की वह हर एक महल के नुमाइश भी की गई जान दे कितने है मिट्टी झोंकती पई है मिट्टी खाती पई है 80 लाख तो 1 करोड़ बर्बाद है। 120 सिटी बसा जिड़े खरीदिया गई सगिया जिंद 16 करोड़ रुपए दी सिटी बसा 37 बसा जिंद 120 जी 37 सिटी बसा सगिया 16 करोड़ की सगिया जी हाउस की मीटिंग नगर निगम पिछले कहता कबाड़ के भाव चंद कदमों की दूरी से ही वह बसा 10 साल तो पईयां कबाड़ हो गई शायद ही कोई पॉलिटिशियन होवे जिन्हें आके धूफ न धकई हो जेड़े 350 ई रिक्शा 8 करोड़ 5 लाख रुपए के खरीदे गए जिंदे 280 रिक्शा 7 करोड़ 10 लाख रुपए के जिस जगह पर आप खड़े हैं मेरे पिछे तुम देखते पे हो 9 महीनों तो इतने खड़े हैं। इसलिए जो तुम भी ये खुलासा ये सच्चाई देखना चाहते हो तो आई देख सकते हो तुम जो गारबेज ई रिक्शा भरोंगे तो आ फोटो जीडिया मैं लिखिया वै ये उसी वैबसाइट तो लिखिया वै ये फोटो थोड़े सामने आ जाएगी उस कंपनी का मालिक ने यह वैबसाइट उत्तर अपनी ऐड की हुई है उन्हें कीमत पाई है 1,15,000। मान साहब ये रोकी जा सकती बर्बादी मान साहब कितने सिटी बसा की तरह बर्बाद ना हो जाए मान साहब कितने ये पैसा बर्बाद ना हो जाए मान साहब 1,00,000 रुपया महंगा खरीदया नहीं खरीदया बाद दी गल मान साहब मैं ये नहीं कहता लेकिन मान साहब 9 महीने हो गए ये सड़कों तो उतारने चाहिए थे जे जरूरत नहीं सी जे इतने खड़े खड़े बर्बाद करने से सिटी बसें तरह तो खरीदे क्यों गए खरीदे क्यों गए लुधियाने शहर की जनता ये जवाब मांगती अपने नगर निगम को। जोड़ा भी बंदा मेरे लुधियाने शहर की नहर को गंदा करेगा सिर्फ चला ही नहीं नगर निगम उन्होंने FIR लॉन्च कराई जाए रजिस्टर कराई जाए लेकिन मैं एक गल का जवाब दो जे नगर निगम या नगर निगम के अधिकारी यहोजी करतूता कर जनता के पैसे की बर्बादी कर कभी सिटी बसा के नाम से कभी एंटी स्मोक गन के नाम से कभी ई रिक्शा के नाम से तो कि उन्होंने FIR लॉन्च नहीं होनी चाहिए कि उन्होंने परचा नहीं होना चाहिए सिर्फ जांच जांच का नाम लैके छड़ दें कदों तक खेल खेलते रहोगे। आला रे आला सच्चाई यादव आला जी हाँ कुमार गौरव उर्फ सच्चा यादव लुधियाने की को परसनैलिटी जरा गट्स रखता है जरा दम रखता है आवाज़ चक्कण की लोगों की चाहे वह कारपोरेशन के खिलाफ होवे जां कारपोरेशन वालों कीतियां जांदियां वधीकियां जां जिहड़े कारपोरेशन वालों कीतियां दे कपड़े है उन्होंने खिलाफ होवे जे कोई लुधियाने शहर चों आवाज़ चकदा है तो जी हाँ कुमार गौरव उर्फ सच्चा यादव भाजी अज फिर दोबारा इत्थे पहुँचे हुए हो की चक्कर है अखबार की थद्दी हत्थां च है एडे पिछे रिक्शे खड़े है ई रिक्शे खड़े है मिट्टी मिट्टी होंगे मामला की है। बेदी साहब पहले तो मैं तुहानू मुबारक देना चाहूँगा क्योंकि अक्सर मीडिया सवाल करती कि सच्चा यादव की आवाज़ चक्कर नाल हुंदा की है बेदी साहब RU भी RO भी चल गया या नहीं चल गया काम शुरू हो गया हो गया चलो मैं यही सुनना सीगा तो सुन लो भाई जी मैं सारे मीडिया को भी कहना चाहूँगा कि आवाज़ चक्कर नाल काम हुंदे है। दोस्तों अज जिस जगह के उत्ते मैं खड़ा वा इस जगह के उत्ते असी सारे इतने कट्ठे हुए सी पूरी मेरी टीम सी और बाहर इतने एक अर्थी सी और एक शख्स आके रो रहा कि मैं उजड़ गया मैं बर्बाद हो गया। लेकिन मैंने कई ने आके पूछा मेरे अजीज वीर ने आके पूछा कि भाई जी उजड़िया कौन बर्बाद कौन होया तो मैं एको गल कही कि उइयो उजड़िया हमेशा की तरह जो उजड़ता आया है यानी कि जनता बर्बाद होंगी आई है हमेशा की तरह लोग। सो अज भी मैं यही चीज़ तुम दिखाना कि लुधियाने शहर की जनता किमें बर्बाद हुई किमें उजड़ी अज इस जगह के उत्ते खड़े हाँ ये वर्कशॉप है नगर निगम कारपोरेशन की तुहानू याद होएगा 9 महीने पहला जी हाँ 9 महीने पहला लुधियाने शहर के नगर निगम ने कोई 370 ई रिक्शा खरीदे सीगे मैं नहीं ये अखबार बोलते पे बेदी साहब अखबार मीडिया चैनल मैं हमेशा एको गल कहना
कि वाकई जे अज मीडिया ना हो तो जंगल राज बन जाए लुधियाने के। मैं सल्यूट करदा अपने लुधियाने शहर के प्रिंट मीडिया, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया, पेपर मीडिया, हर एक क्योंकि तुसी लोगों ने यह साबित किया होया वै कि वाकई मीडिया जिहड़ा हैगा वो फोर्थ लैग ऑफ डेमोक्रेसी है। बेदी साहब, इस तो पहला कि अज्ज दे इस मुद्दे उत्ते मैं पूरा चानण पावां मैं किवें बदलाव किवें बर्बाद हुंदा आया वै, मैं तुहानूं दसा। बेदी साहब, 85 करोड़ वाला स्टेडियम पखो रोड वाला अज तक मीटर नहीं लगे, इंडोर स्टेडियम बर्बाद होया 85 करोड़ जनता का। बेदी साहब, उस तो बाद एक एंटी स्मोक गन खरीदी गई सी कुछ महीने पहला 80 लाख तो 1 करोड़ की, वो हर एक महल के नुमाइश भी की गई, जान दो कितने है? देखी नहीं बेदी साहब, वो डी जोन के किसी ने भी नहीं देखी। बेदी साहब, वो डी जोन के मिट्टी झोंकती पई है, मिट्टी खाती पई है, 80 लाख तो 1 करोड़ बर्बाद है। बेदी साहब, सिटी बसा, बेदी साहब वो सिटी बसा, बेदी साहब 120 सिटी बसा जिहड़ियां खरीदियां गईयां सीगियां, जिंदे विचों 16 सिटी बसा सीगियां 16 करोड़ रुपए दियां सिटी बसा, 37 बसा जिंदे विचों 120 विचों जिहड़ी 37 सिटी बसा सीगियां वो 16 करोड़ दी सीगियां, जिहड़ी हाउस दी मीटिंग दे विच नगर निगम पिछे कहिंदा कबाड़ दे भाव विच ने, चंद कदमां दी दूरी ते वो बसा 10 साल तो पईयां पईयां कबाड़ हो गईयां। शायद ही कोई पॉलिटिशियन होवे जिन्हें आके धूफ ना धकाई होवे, जिन्हें आके बसा साफ ना कीतियां होण, या जिन्हें झाड़ूआं ना मारियां होण, लोकी दूरों दूरों झाड़ू मारन आए सीगे, लेकिन फिर भी उन्हें बसों का अंजाम देखो। सो मैं यही कहना चाहना बेदी साहब कि जेडे 350 ई रिक्शा 8 करोड़ 5 लाख रुपए के खरीदे गए, जिंदे विचों 280 ई रिक्शा 7 करोड़ 10 लाख रुपए के जिस जगह पर आप खड़े हैं मेरे पिछे तुम देखते पे हो 9 महीनों तो इतने खड़े है, सिर्फ बर्बाद हो रहे हैं। आ मिट्टी देख लो, टायर की हवा है नहीं और हालात बत्तों बत्तर है, कागज़ हद तक चढ़े हुए हैं, लेकिन इन्हों का उपयोग नहीं लिता गया। दस रहे हो यह तो 2.5 लाख का रिक्शा बन गया है, सवा लख दे तो रेट डबल करते। बेदी साहब, सारा लुधियाना जानता, पंजाब जानता, देखो कोई न्याणा नहीं है, हर एक आदमी जो कोई चीज़ खरीदता वै वो रेट मोल तोल करके खरीदा। बेदी साहब, एक गल का जवाब दो, जो तुम कोई चीज़ खरीदोगे लुधियाने वाले, बीह लुधियाने वाले, तुम दिल्ली तो खरीदोगे, तुम नोएडा, गाजियाबाद, हो जाऊ, ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਮੈਟਰੋ ਖਰੀਦੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ 50 ਕੁ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਕੋਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਵੈ, ਔਰ 50 ਕੁ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੈ ਉਹ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ, ਯੂਪੀ, ਗੁੜਗਾਓਂ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਵੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਇਹ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਜੇ ਮੈਂ इंडिया मार्ट वैबसाइट, जी हाँ दोस्तों, जे तुसी भी ये खुलासा ये सच्चाई देखना चाहते हो तो आई देख सकते हो, आई इंडिया मार्ट.com तुसी इंडिया मार्ट जी वैबसाइट उत्थे जाओ, जाते ही तुसी जो गारबेज ई रिक्शा भरोंगे तो आ फोटो जिहड़ियां मैं लित्तियां वै ये उसी वैबसाइट तो लित्तियां वै, ये फोटो तुहाडे सामने आ जाणगियां, आई देख सकते हो कि फोटो उपर की लिखिया रिपब्लिक मोटर म्यूनसिपल कारपोरेशन, सेम लिखिया आ, सेम लिखिया बेदी साहब, बिल्कुल सेम लिखिया ना, सेम है जी। तो उन्हें उस कंपनी का मालक ने वैबसाइट उत्ते अपनी ऐड की हुई है, उन्हें कीमत पाई है 1,15,000। सिर्फ लुधियाने वाले ने इस कंपनी को ई रिक्शा नहीं खरीदे, ये जलंधर के कोल एक कंपनी है जिहड़ी बॉडियां लख खरीदी है, बैटरियां लख खरीदी है, समान लख खरीद के असैम्बल करती पई है, इन्हें 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 रिपब्लिक मोटर ने जम्मू भी दिते है। लेकिन मजेदार गल यह है कि इस आंकड़े के अखबार हिसाब के अखबार का जो आंकड़ा बोलता पिया वै, जे 350 ई रिक्शा 8.5 करोड़ रुपए के हिसाब के खरीदे गए हैं तो इस आंकड़े के हिसाब के जे इनू डिवाइड किया जाए तो यह ई रिक्शा 2 लख ते कोई 70-73 हज़ार रुपए के बनते हैं, जबकि जिन्हिया भी मेरे को कंपनियां यूपी, गाजियाबाद, जिन्हिया भी ब्रांड होर कंपनियां है वै सारिया उन्होंने को जीडिया मेरी कोटेशन लिखिया गई हैं, हर एक ने मैनू असैम्बल्ड ई रिक्शा जिहड़ियां हैगियां वै, कई तो ब्रांडेड कंपनियां वाली भी सीगियां उन्होंने भी 1,10,000 तो 15,000 मेरे को कोटेशन ऑनलाइन आई हुई वै, मैं सब कुछ रिकॉर्ड मंगाया हुआ कि ऐसा नहीं, जो टोल टैक्स पैंता रात जब गड्डिया के पैसे देने कि टोल टैक्स 1,00,000 रुपये पैंता हो रिक्शे मगर 1,25,000 2,50,000 मिलेगा 1,00,000 रुपये टोल टैक्स। बेदी साहब जल हो सकता है, बेदी साहब जलंधर तो इतने लैके आने का 1,00,000 रुपये टोल टैक्स मैं नहीं समझता, लेकिन बेदी साहब मैं तो सिर्फ इन्होंने कंपनी को 10 ई रिक्शा की डिमांड की और मैंने हज़ारों फोन आ गए और उन्होंने मैंने 1,10,000 15,000 रुपया रेट दसिया और उन्होंने मैंने पूरी कोटेशन दी, कोटेशन के लिखा कि जे तुम लैड वाली ई रिक्शा खरीदना चाहते हो सेम ए बॉडी सेम इस तरह ये अब खाने बने होंगे सेम सब कुछ इस तरह ही तो तुम अगर लैड वाली खरीदना चाहते हैं हो लैड बैटरी वाली क्योंकि लैड बैटरी वाली जो रिक्शा खरीदोगे तो नीर अबाउट नीचे इन्हें चार तो पाँच इन्हें बैटरियां पैनगियां लैड वाली उनकी कीमत इन्होंने दसी सी मैंने कोई 1,10,000 to 15,000 जे उन्होंने ये भी कहना वै कि जे तुम लिथियम बैटरी वाली जिहड़ी कि सिंगल बैटरी पैंदी है जे लिथियम बैटरी वाली खरीदोगे तो वह तुम्हें पेगी 1,70,000 to 75,000 किसी भी
नामी गिनामी कंपनी ने भी इस तो उपर मैनू रेट नहीं दिता। और जिहड़ी लिथियम बैटरी है उनकी 3 साल की गरंटी है, जिहड़ी लैड वाली बैटरी है उनकी जिहड़ी हैगी है कोई 1 साल की गरंटी है। ये तो जी देखना पड़ेगा इनके विच एलईडी वाली लगदे है, दूजी लैड बैटरी लगदी है जी, पता किसे चलेगा इसके विच बैटरी कीड़ी हैगी है, क्योंकि इसकी बैटरी है ये तो कोटेशन है। तो हुण आपां इह देखीए ना वी 2.5-2.5 लाख च आए ने इह लिथियम वाली च 80-80 हज़ार का कपड़ा होया एक, मगर कि लैड वाली लैके 100-100 लाख का कपड़ा होया। ये नगर निगम का कपड़ा है, नगर निगम के लुधियाने शहर के एक्टिविस्ट है कीमती रावल जी, उन्होंने एक RTI भी पाई हुई सी कि भाई सानू दस्या जाए कि किस रेट से खरीदे गए है ई रिक्शा, किस रेट से किन्ने खरीदे गए है, तो हल तक उन्होंने जवाब नहीं मिले। लेकिन नगर निगम ने क्लीयर करना चाहिए कि ये लैड वाली हैं तो या लिथियम वाली हैं, तो जे लैड वाली वै तो इस रेट होनी चाहिए, लिथियम वाली 1,70,000 लेकिन इन्होंने कोटेशन के हिसाब के अखबारों के हिसाब के 2,70,00,000 रुपया पर रिक्शा मिनीमम 1,00,000 रुपया वजी है, हुण लख दी वजी है कि 1.25 लाख दी वजी है, वह बाद दी गल है। ये तो देखो इस गल के बारे तो मैं कहूँगा कि यह तो साडा प्रशासन, साडा सिस्टम या साडियां मैं कहूँगा विजिलेंस जांच होवे मैं कंप्लेट दूंगा जी। और मैं बड़ी उम्मीद करता वहाँ साडे आदरणीय रिस्पैक्टेड CM भगवंत मान साहब तो कि मान साहब तुम हमेशा कहने कि पंजाब के हर मुद्दे पर मेरी नज़र है, अज यही तुम्हें मैं दिखा आया मान साहब कि हालात देखो मान साहब ये ई रिक्शा किवें पैसे बर्बाद हो रहे हैं। मान साहब ये रोकी जा सकती बर्बादी, मान साहब कितने सिटी बसा की तरह बर्बाद ना हो जाए, मान साहब कितने ये पैसा बर्बाद ना हो जाए, मान साहब 1,00,000 रुपया महंगा खरीदया नहीं खरीदया बाद दी गल है, मान साहब मैं ये नहीं कहता, लेकिन मान साहब 9 महीने हो गए ये सड़कों तो उतारने चाहिए सके, तो जे जरूरत नहीं सी जे इतने खड़े खड़े बर्बाद करने से सिटी बसें तरह तो खरीदे क्यों गए। अब लुधियाने शहर की जनता ये जवाब मांगती है अपने नगर निगम तो, बेदी साहब एक गल का जवाब दो, अज ये जवाब जो क्वेश्चन मैं करन लग्या लुधियाने शहर की हर एक आदमी की आवाज़ है कि नहरां दे विच सानूं कूड़ा सुटना चाहिए, नहीं सुटना चाहिए बेदी साहब। साडे इस नगर निगम ने लगभग 8 लाख रुपए के करीब लोगों के चलान किए और बिल्कुल ठीक किए, जिहड़ा भी बंदा मेरे लुधियाने शहर की नहरों नूं गंदा करूगा सिर्फ चलान ही नहीं नगर निगम उन्होंने FIR लॉन्च कराई जाए, रजिस्टर कराई जाए। लेकिन मैं एक गल का जवाब दो बेदी साहब, जे नगर निगम या नगर निगम के अधिकारी यहोजी करतूता करन, जनता के पैसे की बर्बादी करन, कभी सिटी बसा के नाम से, कभी एंटी स्मोक गन के नाम से, कभी ई रिक्शा के नाम से, तो कि उन्होंने FIR लॉन्च नहीं होनी चाहिए, कि उन्होंने परचा नहीं होना चाहिए, सिर्फ जांच का नाम लैके तुम छड़ दें हो, कदों तक खेल खेलते रहोगे, सारी चीज़ें थोड़े सामने हैगा वै, तुसी किसी कंपनी कोटेशन मैं तो कोटेशन लैके दिना, मैं तुम्हें इन्हें नाल दी रिक्शा मैं खरीद के दिना, लैड वाली लैनी 1,10,000-15,000 रुपए की लिथियम वाली लैनी है, 98% कंपनी का कहना वै 98% कि लोग लैड वाली खरीदते हैं, 70,000 रुपया फालतू भी कोई नहीं भरते, 1,70,000 जी कोई जल्दी लैन तैयार नहीं होता। असं कहने पे हाँ इन अखबारों के हिसाब के जो रेट दसे गए हैं, जो लिखे इन कि भाई 2,70,000-71,000 रुपए की रिक्शा खरीदे गए, क्यों पैसे की बर्बादी, जब बर्बादी कीती सो कीती सड़कों पर चला दो, सड़कों पर चला दो मान साहब, साडे नगर निगम नूं हिला दिओ। सो बड़ी शर्म वाली गल है कारपोरेशन के अधिकारियों वास्ते, अफसरों वास्ते, जिन्होंने इस तरह की कुंडियां मारिया ने लुधियाने के जो नागरिक ने उन्हां दी मेहनत की कमाई, उन्हां दे टैक्सां दे पैसे, मेहनत की कमाई। जी हाँ 350 के करीब ई रिक्शा 4 करोड़ रुपए के आसपास कीमत बनती है, लेकिन 8 करोड़ के आसपास पैसे कढ ले गए खाते दे विचों दुगने रेट से। पहला तो शर्म वाली गल कि दुगना रेट 1,25,00,000 वाली चीज़ का 2.5-2.5 लाख रुपया कटिया गया एक एक पीस के, मगर पहला तो यह शर्म वाली गल, तो दूजी गल शर्म तो भी वध शर्म जिथे शायद डुब के पानी नकड़ बो के मर जाना चाहिए अधिकारियों, अफसरों, तो सरकार इन अफसर अधिकारियों से कार्रवाई भी करनी चाहिए है कि तुसी एक तो 4 करोड़ रुपए वाला समान 8 करोड़ तो लैने पे हो, तो घट्टो घट उस तो कि होर शर्म करो, मत्थे हाथ मारो, घट्टो घट उन्होंने चला ता लो, जे तुसी दुगने पैसों से चीज़ लीती है, अद्धे पैसे आप रल मिल के खा गए हो, जो कुछ भी तुसी कीता है, तो घट्टो घट जेड़े बाकी दे हुण ई रिक्शा खड़े है इन्हां नूं वरतों तो ले आओ, घट्टो घट जो नागरिक ने लोग ने उन्होंने इन्ना माड़ा ता ना करो, पहला तो 4 करोड़ का समान 8 करोड़ च लैने पे हो, उत्तों वो भी 75% जोड़े पीस ने ई रिक्शा ने यह खड़े हुए है वह वरतों है नहीं गए, वो यार कुछ तो शर्म कर लो, कहते भी एक हद होंगी किसी चीज़ की। सो एक कारपोरेशन के अधिकारियों की अफसर की हूँ हद मुक्की पई है, शायद जे इन कार्रवाई होवे तो इन्हों जेलों से भी सुटना चाहिए, जेड़े पैसे तो खाँदी पे 1,00,000 करोड़ों लोगों टैक्सा की मेहनत की कमाई दे, पर उस तो बाद भी पैसे खा के भी रज नहीं आती, अकल नहीं आती, तो फिर ड्राई वेस्ट
वैट वेस्ट नीले हरे डब्बे ला के ई रिक्शा खराब होने वास्ते खड़े किए हैं 9 महीनों तो। जे लैड बैटरी वाले है तो वैसी साल की म्याद है, इस तो बाद बैटरी वैसी खराब हो जानी है, फिर नवी बैटरियां पवा के चक्कर च फिर कुंडिया मारोंगे, फिर कहोगे 50,000 की बैटरी है, लख के हिसाब में असी तो जी 4 करोड़ दैटरियां पवा लिया, फिर ड्रामेबाजियां करोंगे। सो कारपोरेशन अधिकारियों बेनती है कि हट जाओ, सुधर जाओ, जे हुण तुसीं इन्हां नूं एक्टिवेट कर सकते हो, चालू करवा सकते हो, वर सकते हो तो वरत लो, लोगों के नाल इन्ना माड़ा ना करो, पहले ही बहुत कर चुके हो। कैमरामैन सेवा सिंह के नाल नवप्रीत सिंह बेदी, लुधियाना लाइव न्यूज़।